मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले भिमंडी निवासी साद अंसारी की कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया। आपको बता दें कि साद अंसारी ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए नबी के शान में गुस्ताखी की थी, जिस पर भिवंडी पुलिस ने FIR दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने इसे 18 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। साद को 20 जून को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है। और साद अंसारी की बेल रिजेक्ट होने पर एडवोकेट सलमान अनवर खान ने क्या पूरी जानकारी दी है कि आखिर साद अंसारी की बेल क्यों रिजेक्ट हुई है, इस पूरे मामले की जानकारी दी है, सुनिए। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन ने 12/6/2022 को सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत एक FIR रजिस्टर्ड हुआ था। आरोपी साद अशफाक अंसारी, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुआ था। उसमें FIR में ऐसा है ना कि जो आरोपी है उसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हुए, नुपुर शर्मा ने कुछ स्टेटमेंट दिया था जो गलत था, हिटेटेड स्टेटमेंट था, उसके खिलाफ जाते हुए हमारे पूरे कम्युनिटी और कंट्री में पूरे सब थोड़े झगड़े होने लगे थे। और उस वजह से हमारे प्रेजेंट आरोपी ने उसको नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद में उसने बहुत सारे गलत वर्ड इसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारे भिवंडी सिटी में FIR रजिस्टर्ड हुआ। और उसको आरोपी को 12/6/2022 के दिन पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद में 13 के दिन उसको कोर्ट ने प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने प्रोड्यूस करने के बाद में 18 तक पुलिस कस्टडी थी, और 18 को जज ने उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया। और जुडिशियल कस्टडी में लेने के बाद में जज ने सर अपने एक्यूज के वकील, हमारे सीनियर वकील नाना अय्यर ने बेल एप्लीकेशन डाला, और बेल एप्लीकेशन डालने के बाद में सरकारी वकील APP और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का से कॉल हुआ। से कॉल होने के बाद में वेरी सेम डे से आ गया, और से होने के बाद में शाम में 5:30 के करीब आर्ग्यूमेंट होने के बाद में दोनों साइड का और हमारा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में जज ने आज मैटर रखा ऑर्डर पे, और आज शाम में 6:30 के करीब जज ने ऑर्डर पास किया। और जज ने ऑर्डर पास करते टाइम पे जज ने ये बताया इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, प्राइमा फेसी रूल है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है यहाँ पे, और जज ने बेल रिजेक्ट कर दिया इसका। और जज ने बेल रिजेक्ट करके एक बहुत अच्छा समाज में एक मैसेज दिया है कि सिर्फ ये कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, हर कम्युनिटी में अगर कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो उसका यही मंजर होगा, और आगे जाके ऐसे कोई आदमी खड़ा होता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा। तो आज जज ने एक्यूज साद अशफाक अंसारी का बिल रिजेक्ट करते हुए हम सबको बहुत अच्छी खुशी की खबर पूरे भिवंडी और समाज और इंडिया में दिया गया। अभी ये जो बिल रिजेक्ट हुए इसके आगे क्या होगा? इसके आगे ऐसा है ना कि एक्यूज लोग जो है वो सेशन कोर्ट ने बिल डाल सकते हैं, सेशन कोर्ट ने सेक्शन 439 के तहत डाल सकते हैं। अभी वो उन डिपेंड्स करता है उनके ऊपर, चार्जशीट के पहले डालती है या चार्जशीट के बाद डालती है, डिपेंड्स करता है, देखते हैं। फिर भी बेल डालेंगे तो प्रोसिक्यूशन उसको अपोज करेगा। आर्ग्यूमेंट एक्चुअली हुआ था 18 के दिन, ये बेसिस पे हुआ था। उनका ऐसा कहना था कि एक्यूज ने ऐसा डेलिबरेटली ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो भी हुआ था उन्होंने सिर्फ नुपुर शर्मा के पोस्ट को उन्होंने कॉपी करके यहाँ पे एडिट करके पोस्ट किया है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक्यूज ने एक पोस्ट भी किया था जिसने बहुत सारे गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया, और उसने बताया डिच द रिलीजन्स विच स्प्रेड्स टेररिज्म इन द वर्ल्ड। तो ऐसा कोई भी कम्युनिटी, कोई भी धर्म नहीं है जो हमारे को टेररिज्म क्रिएट कर रहा है, तो उसका जो कहना है वो बहुत गलत था, और यही सब चीज़ को ग्राउंड को मद्देनजर रख के आज बिल रिजेक्ट किया गया।